वैशाली नगर सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी का प्रेशर नहीं आने पर स्थानीय निवासी देवेंद्र सक्सेना द्वारा आरटीआई लगाई गई, जिसके बाद विभाग द्वारा उनका कनेक्शन काट दिया गया, जिसे लेकर हंगामा हुआ। आज इसी आरटीआई को लेकर पानी की पाइपलाइन की जांच करने के लिए एक्सईएन राजीव कुमार जैन के नेतृत्व में टीम वैशाली नगर सेक्टर 3 पहुंची, जहां पर किस कारण से पानी नहीं पहुंच पा रहा इसकी जानकारी दी गई। तो मालूम हुआ कि पाइपलाइन गलत ढंग से डाली गई और 90 सेंटीमीटर के स्थान पर केवल 18 इंच नीचे ही पाइपलाइन डाली गई, जिसके कारण प्रेशर क्षेत्र में नहीं आ रहा और इसके चलते 500 परिवारों को लंबे समय से पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। विभागीय लापरवाही के कारण क्षेत्रवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में अब इस मामले में जलदाय विभाग उचित कार्यवाही कर पानी की सप्लाई को सुचारू करने का काम ही करेगा। शिकायत ये मिली थी कि यहाँ पर दो कनेक्शन हैं और एक कनेक्शन जो अवैध कनेक्शन है, इसकी जांच कर रहे हैं अभी, एक है या दो हैं। कंज्यूमर का कहना है कि एक कनेक्शन है यहाँ पर हमारे, और इसलिए खुदाई हो रही है, अभी पता लग जाएगा जो भी होगा, और अगर दो होंगे तो जो भी हमारे नियमानुसार कार्रवाई होगी, हम कार्रवाई करेंगे। उसके द्वारा शिकायत दी गई थी क्या? ये शिकायत नाम अभी यहाँ पे भीड़ थी तंत्र में। क्या नाम है आपका सर? हैं, ये सुरेश चंद हेड़ा जी थे, इन्होंने शिकायत दी थी हमारे को। ये बड़े कॉन्फिडेंस हैं कि दो कनेक्शन है, तो हम एक बार चेक करा रहे हैं। हम लोग वैशाली नगर सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी हैं। यहाँ पे एक्चुअल के अंदर काफ़ी समय से प्रॉब्लम आ रही है कि पानी का प्रेशर नहीं आ रहा था लोगों के घरों के अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पे बुज़ुर्ग भी रह रहे हैं और ये भी फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे पानी नहीं जा रहा था काफ़ी समय से। तो मैंने इनको काफ़ी शिकायत करी, करीब 2-3 महीने से मैं शिकायतें कर रहा था इनको कि भाई हमारे पानी का प्रेशर आप चेक करा दें या जो भी है। तो मेरे को विभाग द्वारा ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर मोटर लगा लेते हैं आपके, ये तो मैंने कहा आप चेक करें, हमारी कॉलोनी हम तैयार हैं, हम साथ में आपको चेक करा देंगे कहाँ पे चोरी हो रहा है। तो वो चोरी यहाँ पे नहीं पकड़ी गई है, कोई भी चोरी नहीं निकली। इन्होंने 15 दिन तक ट्राई करी, उसके बाद में आज मैंने एक इनके आरटीआई लगाई थी, जिसके अंदर मैंने पानी की पाइपलाइन के निरीक्षण करने के लिए बोला गया था। तो इसके अंदर मेरे को आवेदन के अंदर तो कोई सूचना ही नहीं दी गई थी। उसके बाद में मेरे से अनर्गल तरीके से 10 लाख रुपये मांगे गए थे कि भाई निरीक्षण कराने के 10 लाख दो। तो मैंने इसकी प्रथम अपील करी अपने एडिशनल चीफ साहब अजमेर के अंदर बैठते हैं उनके ऑफिस में, वहाँ से मेरा निर्णय हुआ 7 तारीख को कि इसका निरीक्षण कराया जाए, जिसका आज निरीक्षण करा हम लोगों ने। हमने जब निरीक्षण करा तो विभाग के कुछ नियम होते हैं कि पानी की पाइपलाइन कितनी डेप्थ के अंदर जानी चाहिए, मतलब कितनी गहराई के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि एक फ्लो बन सके। तो आज हमने पाया कि जो विभाग की नियम है उसके अकॉर्डिंग ये 90 सेंटीमीटर गहरी पाइपलाइन डाली जानी चाहिए थी, जो कि आज हमने मौके पर जाकर के जब निरीक्षण किया तो 18 इंची मात्र के ऊपर इन्होंने पाइपलाइन डाल करके रख दी है। तो एक तो ये हमारे को कमी मिली है इसके अंदर, उन्होंने कहा है कि हम इसको दुरुस्त कराएंगे और ये प्रॉब्लम ठीक कराएंगे। और इसी तरीके की जो पानी की प्रॉब्लम्स हमारे को लेकर के मैंने ये एक आरटीआई लगाई थी सूचना के अधिकार धारा के इसके अंदर अपने 2J के अंदर, ये मेरी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। कौन सा क्षेत्र है ये? वैशाली नगर सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी कहलाती है हमारी। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सक्सेना है, अजमेर से। ठीक।